आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की ब्लैकबस्टर फिल्म राम लखन से जुड़े कुछ अनसुलझे और रोचक बातों के बारे में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन कर भी दबा दें राम लखन फिल्म सत्ताईस जनवरी उन्नीस को रिलीज हुई थी जिसमें अनिल कपूर जेकी श्रॉफ माधुरी दीक्षित कपाड़िया राखी अनुपम खेर अमरीश पुरी परेश रावल और गुलशन ग्रोवर के अलावा कई बड़े सितारे शामिल थे फिल्म का निर्देशन सुभाष घई ने किया था और इनके भाई अशोक घई ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक साबित हुई थी और बॉलीवुड के इतिहास की क्लासिक फिल्मों में शामिल हुई इतना ही नई साल उन्नीस में रिलीज हुई खान की फिल्म मैंने प्यार किया के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी इस फिल्म का संगीत उस साल काफी पॉपुलर हुआ था फिल्म में छह गाने थे जिनमें से माई सबसे पसंद किया गया था इसके अलावा जैकी श्रफ और डिम्पल कपाड़िया पर फिल्माया गया, गया गाना तेरा नाम लिया के अंत में सुभाष गई को भी दिखाया जाता है फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म के लिए सबसे पहले आर डी बर्मन से बात की गई थी और इस फिल्म के दो गाने कंपोज का भी कर चुके थे लेकिन सुभाष घई ने बर्मन दा को बिना बताए उन्हें इस प्रोजेक्ट से हटा दिया और अपने फेवरेट संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही इस फिल्म के लिए चुन लिया खबरों के अनुसार राम लखन ऐसी पहले सुभाष घई अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म देवा पर पिछले दो सालों से काम कर रहे थे इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी फिल्म में अविताभ बच्चन राजकुमार मीनाक्षी से साद्री और शमी कपूर के अलावा कई बड़े सितारे शामिल थे लेकिन अविताभ बच्चन बीमार होने की वजह से सेट पर हमेशा देरी से पहुंचते थे इसी वजह से फिल्म की शूटिंग में देरी होती चली गई काफी समय गुजरने के बाद एक दिन सुभाष गई की मुलाकात बोनी कपूर से हुई तब बोनी कपूर ने इन्हें यह फिल्म बंद करने की सलाह दी और कहा कि यह महंगी फिल्म है और आपको बनाने में भी काफी समय लगेगा इसीलिए इस फिल्म को बंद करने में ही भलाई है इसके बाद बोनी कपूर ने सुभाष गई को अनिल कपूर के शत राम लखन पर काम करने के लिए कहा सुभाष गई ने बोनी कपूर की सलाह मान ली और राम लखन पर काम करना शुरू कर दिया था फिल्म में अनिल कपूर का किरदार सबसे ज्यादा पसंद किया गया था इस फिल्म के बाद अनिल कपूर की पॉपुलरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई थी अनिल कपूर के अलावा फिल्म में ग्रोवर ने एक बैडमैन जाने लगा था अनिल कपूर के साथ फाइट सीन करते समय गुलशन ग्रोवर की आंख में चोट आ गई थी जिसके बाद दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ था यह झगड़ा काफी लंबा चला और ये दोनों काफी समय तक एक साथ फिल्मों में नजर नहीं आए के बाद बोनी कपूर ने दोनों की सुलह करवाई और फिर इन दोनों को साथ में फिल्म लोफर में देखा गया था फिल्म में राम के किरदार में सुभाष गई सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट करना चाहते थे लेकिन उनसे बात नहीं बन पाई और बाद में इन्होंने यह रोल जैकी श्रॉफ को दे दिया था फिल्म के गाने कम्पोज करते समय मुझे डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के बीच झगड़ा हो गया था और वो दोनों अलग अलग काम करना चाहते थे लेकिन सुभाष गई ने इन दोनों के बीच सुलह करवाई और बाद में दोनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया सुभाष गई ने राम लखन से पहले माधुरी दीक्षित को अपनी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म कर्मा में एक डांस नंबर ऑफर किया था लेकिन यह फिल्म से हटा दिया गया था इसके बाद सुभाष घई ने निश्चित किया कि वह अपनी अगली फिल्म में माधुरी को एक बड़ा रोल जरूर देंगे इसके बाद उन्होंने राम लखनऊ में माधुरी लीड एक्ट्रेस के तौर पर लिया इस फिल्म के बाद माधुरी रातों रात बड़ी स्टार बन गई थी इस फिल्म का म्यूजिक अक्टूबर उन्नीस में रिलीज हुआ था बताया जाता है की यह बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म थी जिसके गाने पहली बार सीडी फॉर्मेट में उपलब्ध कराए गए थे क्योंकि इससे पहले फिल्मों के गाने ऑडियो कैसेट के रूप में सुनने को मिलते थे शायद इस बारे में कोई नहीं जानता होगा कि राम लखन के मुहूर्त शॉट का आरंभ बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर सुनील दत्त के हाथों हुआ था राम लखन को उस साल दो फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले थे इनमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए राखी और बेस्ट कॉमिक रोल के लिए अनुपम खेर और सतीश कौशिक को चुना गया था इसके साथ ही फिल्म को सात अलग अलग कैटेगरी के अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था राम लखन का रीमेक बनाने की कोशिश कई बार की गई है लेकिन कभी किसी भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को सफलता नहीं मिल पाई है कुछ समय पहले ही रोहित शेट्टी और करण जौहर मिलकर इस फिल्म का रीमेक बनाने वाले थे जिसके लिए शाहरुख खान अक्षय कुमार अजय देवगन रणबीर सिंह रणबीर कपूर वरुण धवन और ऋतिक रोशन सभी से बात की गई थी खबरों के अनुसार फिल्म में लखन का रोल सभी करने के लिए तैयार हैं लेकिन कोई भी राम का किरदार निभाने के लिए तैयार नहीं था यही वजह है कि इस फिल्म का रीमेक अभी तक नहीं बन पाया है तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा पसंद है ऐसी लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ग्रेटेजी ग्रेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें